माता की, इंकलाब, वंदे वंदे, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। साथियों, अभी मैं यहां बैठा था तो बहुत सारे मीडिया के साथियों का फोन आया, तब मुझे समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी मेयर का चुनाव क्यों नहीं कराना था चाहती। आज इनका यहां से 100 मीटर की दूरी पर इनका भी एक प्रोटेस्ट हो रहा है। स्टेज खूब बढ़िया लगाया हुआ है। 13 पार्षद है इनके वहां पे, सिर्फ और सिर्फ 13 पार्षद है। तो इनको डर है कि कहीं मेयर का चुनाव हो गया और बीजेपी वाले ना आम आदमी पार्टी को वोट दे दें। इनके पार्षद इनके साथ नहीं है, इसलिए इनकी बड़ी स्थिति खराब है। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। आज सुबह सुबह हमारे यहाँ राजेंद्र नगर में एक पार्क है, सिंधी पार्क। तो सुबह सुबह मैं गया वहां पे, तो दो अंकल मिले, दोनों आरएसएस की शाखा चलाते हैं वहां पे, कट्टर आरएसएस वाले हैं। बोले, मेरे पास आए, बोले, बेटा हमारे वालों ने तो गजब ही नीचता की हरकतें शुरू कर दी है। मतलब अब तो बीजेपी का काडर भी, बीजेपी के पार्षद भी, बीजेपी के आरएसएस वाले भी इनको गालियां दे रहे हैं कि तुमने क्या ही नीचता शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है, आम आदमी पार्टी को मेयर बनाने दो। यहाँ पे सारे कार्यकर्ता साथी हैं, सारे पार्षद साथी हैं। आप गलियों में जाते हो तो लोग आपसे पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, क्यों नहीं पार्षद चुन पा, क्यों नहीं मेयर चुन रहे हो, तुम्हारी भी कोई गलती होगी। इसलिए थोड़ी सी जानकारी ले लो। पहली चीज, कल हाउस में इन्होंने कहा एल्डरमैन वोट करेंगे। आज तक के इतिहास में कभी भी हाउस में एल्डरमैन ने वोटिंग नहीं की। सबसे शर्म की बात यह है कि पीठासीन अधिकारी ने हाईकोर्ट के एक ऑर्डर को चर्चा करते हुए कहा कि इस ऑर्डर के आधार पर वोट करेंगे। सच्चाई तो यह है, ऐसा कोई ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो पीठासीन अधिकारी ने हाउस के अंदर झूठ बोला, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये कोर्ट का निरादर है। एक्चुअली तो देखा जाए तो जेल भी जा सकते हैं वो। सबसे पहली बात, हमने कहा कोई बात नहीं, तुम एल्डरमैन की वोटिंग करा लो, हमारे पास 151 है, तुम पे 104 है, 10 और हो जाएंगे 100।